दोस्तों IPL साल 2021 का सीज़न शुरू होने में अब काफ़ी कम समय बचा है और IPL का 14th एडिशन बहुत ज़्यादा शानदार और बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। बट आपको बता दें 24 दिसंबर को होने वाली BCCI की AGM मीटिंग के अंदर आपको कुछ ऐसे फैसले देखने को मिल सकते हैं जिससे IPL एक अलग ही मोड पर चला जाए। कुछ ऐसे बड़ी न्यूज़, एक ऐसे अपडेट्स आपको नज़र आ जाएंगे IPL की AGM मीटिंग के अंदर। बट दोस्तों अभी उस मीटिंग को काफ़ी टाइम है, उससे पहले दोस्तों IPL 2021 को लेकर काफ़ी सारी न्यूज़ बाहर निकल के आती है। बट आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की। दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम जहां बहुत आगे निकल चुकी है अपनी प्लानिंग और प्लॉटिंग को लेकर साल 2021 के अंदर, जहां सभी बची हुई टीम पीछे रह चुकी है और काफ़ी सारी अपडेट्स आज की तारीख में KKR की तरफ से बाहर निकल के आती है। आज की वीडियो में मैं आपको KKR की तरफ से लेटेस्ट न्यूज़ और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। क्या बड़ा नुकसान, क्या बड़ा फ़ायदा इन अपडेट्स के, इन न्यूज़ के चलते KKR को पहुँचने वाला है, आज की वीडियो में मैं आपको इसी टॉपिक से रिलेटेड A to Z सभी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो वीडियो हमेशा की तरह काफी मजेदार, काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों अगर आप भी हैं IPL के बड़े फैन तो जल्दी से कर दीजिए हमारी वीडियो को लाइक। इसके अलावा IPL की लेटेस्ट न्यूज के साथ अप टू डेट रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम पूरी तरह से तैयार और पूरी तरह से मजबूत नजर आ रही है IPL 2021 के लिए, जहां उनके हेड कोच ब्रेंडन मैकुलम बहुत ज्यादा प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहे हैं। हालांकि साल 2020 के अंदर भी उन्होंने काफी ज्यादा तैयारियां की थी, बट वो सभी तैयारियां भारतीय ग्राउंड के अकॉर्डिंग थी, जो उनका होम ग्राउंड ईडन गार्डन है खासकर उसके लिए। बट यहाँ दोस्तों कोविड के चलते भारत के अंदर IPL नहीं हो पाया, बट साल 2021 के अंदर कन्फर्म हो चुका है कि भारत के अंदर ही होने वाला है IPL, जिसके लिए ब्रेंडन मैकुलम KKR को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो चुके हैं। तीसरी ट्रॉफी उनको ज़रूर जिताना चाहते हैं। खैर आप नीचे ज़रूर कमेंट करके बताएं क्या KKR है तैयार IPL 2021 के टाइटल के लिए, क्या वो तीसरी ट्रॉफी, क्या तीसरा टाइटल जीत पाएगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ KKR की तरफ से क्या लेटेस्ट खबरें, क्या लेटेस्ट अपडेट बाहर निकल के आई है। पहली न्यूज़ बाहर निकल के आती है क्रिस लिन को लेकर। अब दोस्तों काफ़ी लोगों को ये मालूम होगा कि KKR की टीम क्रिस लिन को पीछे छोड़कर यानी उनको रिलीज़ करके काफ़ी पछता रही है, जहां साल 2020 के अंदर ओपनिंग 14 के 14 मैच उनके लिए एक परेशानी बना रहा। स्लो रन रेट, पावर प्ले के अंदर ज़्यादा रन्स नहीं बनाना और यहां पर विकेट भी खो देना, ना सुनील नारायण का चलना, ना शुभमन गिल का इतना चलना, बार बार ओपनिंग पेयर चेंज करना, जिसको लेकर अब दोस्तों क्रिस लिन को टीम लेने वाली थी। बट अब आपको यह न्यूज़ बता दें, हालांकि क्वींसलैंड प्रीमियर लीग क्रिस लिन खेल रहे हैं जिसके अंदर 100 से ऊपर का उनका औसत है, तो ना सिर्फ KKR की टीम उनको लेने वाली थी बल्कि सभी जो नई टीम भी आने वाली है या पुरानी टीमें भी जो है वो सब क्रिस लिन के पीछे जाने वाली थी। बट अब आपको बता दें दोस्तों क्रिस लिन डायरेक्टली जो IPL के अंदर नई टीम आने वाली है उसके अंदर डायरेक्टली यहाँ पर चले जाएंगे। और इसके पीछे बड़ा कारण ये है कि दोस्तों यहाँ पर जो भी नई टीम आएगी, IPL के अंदर जो BCCI ने अनाउंस कर दिया कि 2 नई टीमें आने वाली है, हालांकि दोस्तों आपको बता दें जो नई टीम आएगी उसके अंदर उनको डायरेक्ट यहाँ मिलेगा मौका 5-5 खिलाड़ियों को चुनना, यानी जो भी बची हुई 8 टीमें हैं उनके अंदर से जो भी प्लेयर रिलीज किए जाएंगे और पिछले साल के ऑक्शन के अंदर जो भी प्लेयर्स यहाँ बिके नहीं थे उनके अंदर से कोई से भी 5 खिलाड़ी यहाँ पर टीम ले सकती है। और जिसके अंदर से दोस्तों आपको पता ही होगा क्रिस लिन कितने ज़्यादा पावरफुल और कितने ज़्यादा शानदार खिलाड़ी है, तो क्रिस लिन को टीम डायरेक्ट रिटेन करेगी। और दोस्तों जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो ये निकल के आ रही है कि अहमदाबाद लायंस की टीम क्रिस लिन के पीछे जा सकती है, क्रिस लिन को उनको टीम में शामिल कर सकती है एज एन ओपनर। तो यहाँ दोस्तों KKR के लिए ओपनिंग की समस्या अभी भी बरकरार बनी रहेगी, क्योंकि क्रिस लिन 100% श्योर हो चुका है कि वो KKR से तो नहीं बल्कि अहमदाबाद की टीम से फिक्स होने वाले हैं। खैर आप नीचे जरूर कमेंट करके बताएं अगर क्रिस लिन टीम में नहीं आते हैं तो इनकी जगह किस ओपनर को टीम में शामिल करना चाहिए। दूसरी न्यूज़ बाहर निकल के आती है शुभमन गिल को लेकर। दोस्तों शुभमन गिल, जिनको ब्रेंडन मैकुलम ने कहा था कि साल 2020, साल 2021 और 22 के लिए वो तैयार कर रहे हैं, एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दे रहे हैं, और दोस्तों हाल ही के अंदर एक IPL के स्टेट्स बाहर निकल के आए हैं और वो स्टेट्स हैं लोएस्ट फॉल्स शॉट को लेकर। यानी दोस्तों जब भी गेंदबाज बॉलिंग करता है तो आप किस हिसाब से शॉट मारते हो, कितने एक्यूरेट होता है आपका शॉट, आप खुद की गलती से कितनी बार आउट होते हो और गेंद जब आती है तो उसको कैसे मारते हो, क्या एक्यूरेट शॉट मारते हो या गलत शॉट मारते हो, दोस्तों उसके अंदर शुभमन गिल का नाम सबसे ऊपर आया है। यानी दोस्तों ये जो स्टेट्स है वो 500 प्लस रन बनाने वाले बल्लेबाजों का निकल के आया है, जिसके अंदर शुभमन गिल नंबर 1 पर है। यानी दोस्तों एक्यूरेसी के अंदर शुभमन गिल सबसे आगे है, विराट कोहली से भी आगे है, जहां दोस्तों खराब शॉट सबसे कम मारते हैं IPL के अंदर, 7.60% इनका रेट है। वहीं विराट कोहली 14.3 पे दूसरे नंबर पर है और रोहित शर्मा 15% के साथ तीसरे नंबर पर है। तो ये एक KKR के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है, जहां उनके ओपनिंग करने वाले बैट्समैन शुभमन गिल अच्छी तरह से खेलते हैं, हालांकि दोस्तों थोड़ा धीरे खेलते हैं, साल 2021 के अंदर शायद उनका इंटेंट अलग देखने को मिले। खैर आप नीचे ज़रूर कमेंट करके बताएं शुभमन गिल के साथ किसकी जोड़ी बनानी चाहिए जिससे पावर प्ले के अंदर KKR को सबसे ज़्यादा फायदा पहुँचे।
तीसरी न्यूज़ निकल के आती है विकेट कीपर्स को लेकर, केकेआर के नए प्लेयर्स को लेकर। अब दोस्तों ये न्यूज़ आप सभी को पता तो चली गई होगी कि दिनेश कार्तिक पिछले 2 साल से विवाद के अंदर है केकेआर मैनेजमेंट के साथ, और इस साल उन्होंने कप्तानी भी छोड़ दी। उन्होंने ये बताया था कि उनको फोकस करना है बल्लेबाजी और विकेट कीपिंग पर, बट असल रीज़न दोस्तों मैनेजमेंट के साथ बहसबाजी ही थी। और अब आपको बता दें दोस्तों साल 2021 के लिए केकेआर की टीम कुछ ऐसे बैट्समैन और विकेट कीपर को देखना चाहती है जो ओपन भी कर सके और अगर मिडिल ऑर्डर के अंदर आए तो काफ़ी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर सके। और दोस्तों आपको बता दें यहाँ टीम रिद्धिमान साह, ईशन किशन, जॉनी बेस्टो और मैथ्यू वेट के ऊपर दाव लगाना चाहती है। ये 4 ऐसे विकेट कीपर और बल्लेबाज हैं जो दोस्तों बैटिंग में ओपन भी कर सकते हैं और विकेट कीपिंग तो कर ही सकते हैं। तो खैर आप नीचे ज़रूर कमेंट करके बताएं इन चारों ही विकेट कीपर बैट्समैन में से कौन सा खिलाड़ी टीम में आएगा तो केकेआर को सबसे ज़्यादा बेनिफिट प्रॉफिट होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी जरूर लाइक करें।